ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਣਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ मौजूद है सही से बजाओ वरना जाने नहीं देंगे 1 2 3 गो शोर के साथ ऑलराइट और आज का शो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज आप लोग यहां बैठे हैं और हमने एक कमाल चीज करनी है आज हमारे पास 5 बेहतरीन लोग हैं जो पाकिस्तान में जाने जाते हैं माने जाते हैं आज के शो को हम लोग कह रहे हैं टोटका मास्टर्स शो आज ये 5 लोग आपकी जिंदगी को तब्दील कर देंगे चेंज कर देंगे जो लोग ये समझते हैं आहा जरा तुम लोग शोर मचाओगे तो मुझे पता चलेगा मेरे शो में आए हो देयर यू गो दैट्स इट सबसे पहले अंबर के लिए बहुत सारी तालियां उसके बाद तहरीम के लिए बहुत सारी तालियां फिर बहुत सारी तालियां फरा के लिए बहुत सारी तालियां सलमा के लिए और बहुत सारी तालियां हकीम रजा इलाही साहब के लिए आज आज चेहरे की रंगत कैसे साफ की जाती है इसका टोटका होगा आज बालों को मजबूत और शाइनी कैसे बनाया जाता है इसका टोटका होगा और मजे की बात यह है कि ये टोटके आपको वो बताएंगे जो खुद इस्तेमाल कर रहे होते हैं जैसे कि अंबर आज आपको एक ऐसा ड्रिंक बताने वाली है एक ऐसी तरकीब बताने वाली है जिससे आपका वेट मेंटेन रहेगा बिल्कुल अच्छा वेट रह जाएगा आपका मतलब आप लोग बिल्कुल मोटे मोटे फील नहीं करेंगे अच्छा तहरीम आपको एक ऐसी चीज बताने वाली है जिससे आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी फरा तो आपको जबरदस्त किस्म की चीजें बताती है फेशियल मास्क बनाएंगे ऐसा फेशियल मास्क जिसको लगाने के बाद आप हकीम साहब की तरह लगने लगेंगे मतलब हसीन खूबसूरत प्यारे और सलमा आपको एक ऐसा सीरम बनाना सिखाएंगी जो बालों में लगाया जाएगा एक मास्क वो भी सिखाएंगे आप दोनों सिखाएंगे दो लोग सिखाएंगे और एक मास्क ऐसा होगा जिसके बाद आपके बाल मिसेज आसिम की तरह से घने चमकदार स्याह और हसीन हो जाएंगे और ये मास्क हमने मना किया है रजा इलाही साहब को वो ना लगाएं क्योंकि अगर रजा इलाही साहब ने लगा दिया तो उनके बाल इतने से इतने इतने हो जाएंगे वो गलत होगा आज हकीम साहब आप क्या सिखाने वाले हैं क्या बताने वाले हैं आज एक नहीं मास्क है एक नहीं मैजिक मास्क कहा जाए तो वो बेहतर होगा और ब्यूटी लोशन आज आपके अगर दाग धब्बे हैं ना कील मुहासे हैं तो 2 मर्तबा के इस्तेमाल से कील मुहासे गायब हो जाएंगे गलत हो गया तेरे बिन चैन नहीं आंदा तू मिले चैन मिल जांदा खुशियां लखा तेरा मिल बैन कहंदे नैना तेरे कोल रहना कहंदे नैना मेरे दिल दा यहीं से ले लो आज इकरार करनिया मैं
करनिया मैं तेनू प्यार करनिया महिवे चनवे तनो कहते नैना तेरे कोल रहना कहते शुक्रिया तालियां बजाओ अच्छे से आज अब ये नहीं बजाने आती मुझे मैं ऐसे करूंगा आप अपनी हवा निकलेगी बट एनीवे आज एक और काम करेंगे आज हमारे एक्सपर्ट से आप सवाल भी कर सकते हैं माइक इनको दो दे दीजिएगा आज जरा थोड़ा सा इसको इंटरैक्टिव बनाते हैं आपके जो प्रॉब्लम्स हैं आप बताइएगा बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि आप टेलीफोन पे कॉल्स ले लेते हैं लेकिन वो लोग जो यहाँ बैठे होते हैं वो बात नहीं कर पाते हमारे मेहमानों से तो आज हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं आप उनसे बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं अपने सवाल अपने दिल का हाल जानना चाहते हैं वो भी पूछ लीजिए उसके लिए मैं हूँ मुझे जितना दिल का सवाल करना मुझसे कर लीजिएगा लेकिन मैं दिल के अमराज के बारे में नहीं बात कर रहा मोहब्बत के बारे में बात कर रहा हूँ प्यार के बारे में बात कर रहा हूँ मोहब्बत के बारे में मेरा सिर्फ एक ही कहना है मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है बस जंग में मोहब्बत नहीं होनी चाहिए और मेरी पिक्चर में ऐसा ही हुआ है अबीर और मैं अबीर मेरे साथ मेरी हीरोइन है तो वो अक्सर हम लोग मिलते रहते हैं फिल्म के अंदर तो एक दफ़ा मैं उनसे कहता हूँ वो कहती हैं कि मुझे समझ में नहीं आता तो मैं कहता हूँ कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है मोहब्बत पाने और खोने का नाम नहीं है बस होने का नाम है तो मोहब्बत हो जाती है ये सारी बात बताने का मकसद ये था खुदा का वास्ता पिक्चर ज़रूर देखना तुम्हें तुम्हारे मरे हुए रिश्तेदारों को मैं तुम्हारे मरे हुए रिश्तेदारों की कसम सारे सारे पाकिस्तानी बहुत पैसा लगाया खुदा का वरना कयामत के दिन पकड़ लूंगा मैं बता रहा देख लेना इंशाल्लाह तुम तो होगी नहीं इंशाल्लाह किस बात का अमेरिका में होगी इंशाल्लाह बोल के मेरी पिक्चर की अमेरिका में इंशाल्लाह झूठी आ रहा है झूठी आ रहा है गलत बात मैंने बोला मेरे प्रीमियर पे आते रहे मैं तो अमेरिका में होंगी मैं कहां से आऊंगी अरे पिक्चर तो होगी ना दुश्मन की जरूरत ही नहीं आपने कहा था एंड ऑफ नवंबर मैंने इंतजार किया वो तो मैंने कहा था ना तो फिर फिर मेरे साथ मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं उन्होंने भी कुछ कहा मुझसे फिर हम दोनों ने मिलके एक दूसरे से कुछ कहा आपकी इंशाल्लाह मैं आपको प्रेडिक्शन दे रही हूँ आपकी इंशाल्लाह मूवी बहुत हिट जाएगी बहुत हिट जाएगी इंशाल्लाह साहिर की मेहनत तो है उसके साथ दुआएं बहुत सारे लोगों की आपके साथ है आपकी पिक्चर जारी बातें आएगी तो बहुत सारे लोगों को फायदा भी होगा अल्लाह की कसम बड़े लोग बद्दुआएं भी दे रहे हैं नहीं नहीं वो बद्दुआएं उनकी काम ही है क्योंकि दुआ देने वाले ज्यादा हैं और बद्दुआ देने वाले सबसे बड़ी बात आपका जो पैसा लगाते हैं ना बहुत नेक कॉज अच्छा मैं आपको वो तो पैसा तो जाहिर है बस बात है कि पिक्चर का जो मेन मकसद है
जो वो नेक है। हाँ वो नेक भाई यार, मेरा तो एक और मकसद है ना, अब ये तो बात वो है जो हमने जाहिर है हमने बता दिया। नहीं पिक्चर नेक नहीं, पिक्चर नेक नहीं, मेरा एक मकसद है भाई पिक्चर बनाने का, एक तो हॉस्पिटल का मकसद है वो तो है, लेकिन एक छुपा हुआ एक मकसद और भी है। आज मैं कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि प्लीज कटरीना इसे जरूर देखे। अगली पिक्चर बनाते हैं टोटका और आप, लेकिन लेकिन उसमें 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 फिर उसमें फिर जुबैदा आपा की तरफ से एक स्टेटमेंट आना चाहिए मदली लव, ऑनेस्टली, बिकॉज मैं समझता हूँ, एंड दिस इज टू जुबैदा आपा, आई विल टेल यू वन थिंग, मैंने इतने सारे हजारों करोड़ों शोज किए, दिस इज गोइंग आउट टू जुबैदा आपा, अगर वो नहीं होती तो मैं ऑनेस्टली समझता हूँ ये जो न्यू वेव है, जो इन्फॉर्मेशन की वेव है, वो हम तक नहीं पहुँचती, हमारे बड़ों की वो बातें जो घरों तक महदूद थी वो हम तक नहीं आती। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, ऑनेस्टली वी लव हर, एंड बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो वेरी मच। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब जी माइक उनको दे दीजिए, ये वाला माइक भी दे दीजिए ऑडियंस को, प्लीज़ ये माइक दे दें जुनैद, ये माइक ऑडियंस को भी दे दें, एक और माइक जिशान दे दीजिए। अच्छा, हम पहले ये करते हैं कि हम शुरू करते हैं, सबसे पहले किसके पास जाएं, सलमा आपसे शुरू करें। बालों का एक बहुत बड़ा मसला होता है, हम सब मिलके पहले सलमा का टोटका शुरू करते हैं, सलमा की जो रेमेडी है उसको देखते हैं, और देखते हैं बालों का अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई सवाल करना चाहता है तो बालों का सवाल कर सकता है। सलमा चलते हैं, कहाँ पर जाना है, यहाँ पे, ओके जी, आ जाइए सब लोग आ जाइए। अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जो हम लोग अपने पर इस्तेमाल करते हैं, हमने देखा है कि और हजरात कुछ लोगों को ये बताया जाए कि शोज में ना ये इस्तेमाल नहीं होता, क्या यार कैसे कैसे लोग हैं, सभी चीज मुझे करनी होती। हाँ आ जाए सर, हमें जिनको अप्लाई करना हम उनको बुला लेते हैं, क्योंकि ये मैं चाहूंगी कि लोग देखें। अच्छा, और इसका रिजल्ट पहले ये देख लेते हैं, किसी का सवाल है बालों के मुताबिक, किसी का कोई सवाल है ऑडियंस में से, वरना हम कॉल्स ले लेंगे, लेकिन मुझे बताइए आपका सवाल है, उनको दे दीजिए माइक, नाम बताइएगा अपना लाउड। अस्सलाम वालेकुम, इरम नाज़े मेरा नाम। मेरे बाल ना लंबे तो बहुत है पर घने नहीं होते, बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं, मतलब नीचे से भी नोके से दो मुँह के बाल हो जाते हैं ना, उस तरह के बाल हो रहे हैं। ओके, कितनी बार आप कटिंग करवाती हैं, दो साल में एक दफ़ा, साल में एक दफ़ा, साल में एक दफा, बहुत कम करवाती हूँ, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा वेट कर ले, 5-6 साल, जब दो बाल रह जाए तो उनकी चोटी बनाइएगा। नहीं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ना, बहुत सारे एक्सपर्ट्स आए हैं। गुड गुड गुड, तो सलमा प्रॉब्लम यह है बालों का, कि बालों के जैसे अंबर ने कहा स्प्लिट एंड्स हो रहे हैं, और वो यूं हो रहे हैं क्योंकि उसमें से वेट गायब हो गया है, बाल आहिस्ता आहिस्ता कम हो गए, बहुत लाइट हो गए। पता नहीं क्यों साहिर लोगों को ये कॉन्सेप्ट है कि एक बाल कटवाने नहीं है, और दूसरा ये कि चोटी या तो हर वक्त बंदी रहेगी, या जिन बच्चियों ने खोलने हैं वो हर वक्त खोलेंगे। तो मैं पहले भी ये कह चुकी हूँ कि इत्तेदाल रखें हर चीज़ के अंदर, एक एवरी मंथ ज़रूर स्प्लिट एंड्स या कटिंग होनी चाहिए, ट्रिमिंग जिसे हम कहते हैं, तीन महीने में एक दफा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि उससे बाल ग्रोथ अच्छी होती है, बाल बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, तो पहला तो जो मसला आपका हल हुआ इरम, वो ये हुआ कि पहले तो आपने अपनी ट्रिमिंग करवानी है साहिर, अपने बालों को, एक सेकंड मैं इजाजत दीजिए, ट्रिमिंग करवानी है, पहली बात तो ये। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप जो आपको रेमेडी बता रहे हैं उसको फॉलो कीजिएगा, और वो तमाम बच्चियां, वो तमाम खवातीन, वो तमाम बहनें, वो तमाम माएँ, वो तमाम भाभियां, वो तमाम आंटीज, या इवन अंकल्स जिनके बाल ख़राब हैं, या मेरे दोस्त जिनके बाल ख़राब हैं, मेरे भाई जिनके बाल ख़राब हैं, ये मर्द और औरत दोनों यकसा तौर पर लगा सकते हैं ये रेमेडी जो हम आपको बता रहे हैं, इससे आपके बाल घने हो जाएंगे, चमकदार हो जाएंगे और स्याह हो जाएंगे, उसमें वॉल्यूम आ जाएगा, शाइन आ जाएगी। जी अंबर, एक तो ये इन्होंने कहा ना ऊपर से कम हो रहे हैं, तो ये भी बहुत है कि सारा वेट जितना है ना वो नीचे आता है, जब नीचे वेट आते हैं इनकी, क्योंकि लेयर कटिंग नहीं है, इन्हें चाहिए कि थोड़ी थोड़ी सी लेयर्स दें ताकि वेट कम होता है, उससे इनके ये चीज़ जो है ना यहाँ पे घन रहेगा, वरना गंजपन आता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लंबे तो हैं बाल, लेकिन वेट की वजह से यहाँ से कम हो जाता है। और एक रीज़न और भी होती है सर, जो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा स्कूल या कॉलेज जाते हुए बाल बहुत ज़्यादा खींच के बनाती हैं, तो बहुत ज़्यादा बाल खींचने की वजह से जो आपके रूट से बालों के वो वीक हो जाते हैं। हेलो बस परिम साहब, लाइव शो में कौन चल रही
जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मैं अंबर का फ़ोन से बात कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, बोलिए। मैम से बात करनी है? मैम तो नहीं है, हम लोग एक्चुअली यहाँ पर लंच पे आए हैं। सैलून से होगा मैम। मैम सैलून से होता है। उनसे ज़रूर पूछिएगा मेरा नाम, प्लीज़। उनसे कहिएगा बताइए कि वो कैसे लगते हैं आपको, ठीक है? हेलो हाँ वो सही है ना, वो अभी बात नहीं करा सकते, हम लोग डेट पे हैं, तो प्लीज़ आप ज़रूर पूछिएगा उनसे, सही है? वो बोलिएगा, बोले अल्लाह हाफिज़। लड़कियां बोलती हैं चलो मैम कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी। प्रॉब्लम तो जाने के बाद होगी। हम तो बातें करेंगे, गई है डेट पर, कोई अच्छी बात है, जाती नहीं है, शुक्र गई तो अच्छी बात है, मैम जाती नहीं, अच्छा जाए। अच्छा मिस पे आते हैं। हाँ जी बिल्कुल। ये मैंने पपीते की पेस्ट रखी है, ठीक है, और पपाया बालों के लिए पपीता जो है ये बहुत अच्छा है, ये 3 टेबलस्पून मैंने डाला। अच्छा अब आप ये बता दीजिए, 3 टेबलस्पून पपीते का गूदा या पपीते की पेस्ट जो है वो निकाल लिया आपने, पपीता नॉर्मली मिल जाता है, 3 टेबलस्पून आपने लिया और वो डाल दिए, और इसमें मैंने 2 टेबलस्पून दही डाल लिया, ठीक है, कुछ भी नहीं, सिर्फ हार्डली 4 इंग्रेडिएंट्स हैं, ऑलिव ऑयल 2 टेबलस्पून और कैस्टर ऑयल 1 टेबलस्पून। अच्छा पहले मुझे बताइए यहाँ कोई आप पे लगवाएं, हम आप पे लगा सकते हैं, आइए आप इधर आ जाइए, आ जाइए। इरम के लिए बहुत सारी तालियां, इरम बड़ी हिम्मत कर रही हैं, आइए आइए आ जाइए इरम जी, जल्दी आइए। माइक कहाँ गया? आज हमारे काउंटर्स चेंज हुए हैं जरा थोड़ी सी। कोई बात नहीं सुख, ठीक है जी। अच्छा ये देख लीजिएगा, 4 चीज़ें इसमें डली हैं, 3 टेबलस्पून हमने पपीता लिया, पपीते का गूदा लिया, 3 टेबलस्पून हमने दही ली, उसके अंदर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला, और हमने एक और चीज़ डाली कैस्टर ऑयल, थोड़ा सा कैस्टर ऑयल डाला। अच्छा जी इरम के प्रॉब्लम जो है, अब आप ये दिखा दें, बाकायदा तौर पे दिखा दें, जो अंबर कह रही थी बात बिल्कुल ठीक है कि इनके लेयर्स नहीं हैं और इनके बाल नीचे से बहुत ज्यादा थिन हो गए, आप देखें जान खत्म हो चुकी है बालों में ना, मतलब देयर इज नो, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स गोइंग टू बी फाइन, बिल्कुल सही हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। और सर इनको वो भी करनी चाहिए जो हम रेमेडी आप बता चुके हैं, लाइक वो मैं आपको बता दूंगा, अदरक की भी, और जिस तरह आपने कोम करने का बताया ताकि इनको दोबारा से नरिश किया जाए। अच्छा देखिए एक बात और, ये तो तमाम चीजें अपनी जगह, मैं आपको 10 मिनट की एक ऐसी एक्सरसाइज बता सकता हूँ बालों की, 10 मिनट्स ओनली, जिसको करने के बाद आपके बाल जिंदगी में कभी नहीं गिरेंगे। मैं बिल्कुल आपको एंड में बताऊंगा। ये मैंने, अच्छा मैं आपको बता दूं मैंने किन से सीखी थी, ये मैंने अपने मामू से सीखी थी। अच्छा मामू मेरे करते थे और करते हैं, अब भी उनके सर पे बाल हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता था वो क्यों करते हैं। वो लेट जाया करते थे, एक तकिया दो रख लिया करते थे ऐसे, और अपने सर को पीछे करते थे और बालों में ऐसे कोम किया करते थे, यूं करके ना ऐसे कोम किया करते थे। अच्छा वो तो नॉर्मल कंघे से करते थे, लेकिन जब बाद में मैंने उसको पढ़ा तो पता चला कि लकड़ी का कंघा इसके अंदर बड़ा मुफीद होता है, आप लकड़ी के कंघे से मुसलसल ऐसे करते रहें, आप लेट जाएं, आप इवन बैठ के भी कर सकते हैं, ऐसे बैठ जाइए, यूं करके बैठ जाइए, ऐसे बैठ जाइए और अपने सर को पीछे यूं कर लीजिए, और इसके बाद ऐसे आप टोटल 10 मिनट कीजिए, 5 मिनट कीजिए, 2 मिनट कीजिए, 3 मिनट कीजिए, हैबिट बना लीजिए, और आप यकीन जानिए अगर आप 10 मिनट करेंगे इस्तेमाल के बाद, 1 हफ्ते में 3 मरतबा के इस्तेमाल के बाद, आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे, आपके बाल टूटना बंद हो जाएंगे, आपको विजिबली फील होगा बालों का एक डिफरेंस, विजिबली आपको फील होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ट्रू जी। बताइए ये जनाब ये लग गया, ये हमने 25 से 30 मिनट तक रखना है, दैट्स इट। और इसकी तरकीब बता दें बनाने की, और किन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है वो बता दें। ये इसमें 3 टेबलस्पून पपीते को की पेस्ट डाली है, ठीक है, 2 टेबलस्पून मैंने दही डाला है, और 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल है, 1 टेबलस्पून कैस्टर ऑयल है, ठीक है। ये इस वेदर के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि जो ड्राइनेस हो रही है, बाल मजीद फट रहे हैं और गिर रहे हैं, अभी आप इसका रिजल्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाल कितने बाउंसी और फ्रेश हो जाएंगे। अभी फौरन 25 मिनट के बाद। अच्छा 25 मिनट तक आप यहाँ बैठेंगी, उसके बाद आपको हमारे जो लोग हैं वो लेके जाएंगे, आपके सर पे हल्का हल्का सा मट्टी का तेल डालेंगे, घबराना नहीं है बिल्कुल, और उसके बाद एक आदमी यहाँ पर खड़ा होकर सिगरेट पिएगा आपके पास, मैं घर नहीं जाऊंगी। आप बिल्कुल घर जाएंगी, जब बाल जरा जरा से जलने लगे तो जरा सी चीखिएगा, ट्रिमिंग हो रही है आपकी।
नहीं, आपको आपको अभी थोड़ी देर के अंदर आपको वॉश कर दिए जाएंगे बाल, उसके बाद आप आके जरूर बताइएगा प्लीज तशरीफ रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हैं ये मुझे इसके साथ ही जाइएगा वरना कपड़ों पे गिरेगा। इसके साथ ही चली जाए, ऐसी चली जाए, खुद ने कहा है। अच्छा क्यों, यू डोंट नीड दैट, आई थिंक यू शुड। एक सेकंड, एक सेकंड, चलिए जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया इनके लिए, बहुत सारी तालियां, थैंक यू। अच्छा एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। आई होप हमने आज शो को थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश की है, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दें और साथ साथ थोड़ा सा दिलचस्पी भी रहे। तो छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, बड़े मुफीद टोटके हैं। जब वापस आएंगे तो एक हैरतअंगेज टोटके के साथ, एक ऐसा टोटका जो आपकी ज़िंदगी आपके हुस्न में चार चांद लगा देगा और आपकी ज़िंदगी बदल देगा इंस्टेंटली। कैसे बताते हैं ब्रेक में। Once again, हम अंबर के पास आते हैं। अंबर आप क्या बनाने जा रही हैं? वेट लॉस का कुछ बता रही हैं? हाँ, सबसे पहले तो बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे पहले देखिए, हम जो कुछ भी आपको रेमेडी बताते हैं, याद रखिए जब तक आप डाइट कंट्रोल नहीं करेंगे आपकी कोई रेमेडी काम नहीं करेगी। डाइट को कंट्रोल करना है, लेकिन ये एक बहुत हैरतअंगेज दरियाफ्त है, एक ऐसी दरियाफ्त है जो हॉलीवुड के स्टार्स, बॉलीवुड के स्टार्स, कैटरीना कैफ, बिपाशा बासु, ऐश्वर्या रॉय, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, पाकिस्तान में आई गेस रीमा जी, जितने बड़े बड़े नाम हैं वो, और हॉलीवुड के अंदर तो बेशुमार लोग इसको इस्तेमाल करते रहे हैं। मर्दों में बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके मोटापे को बहुत जल्दी रिडक्शन दे देती है, रिड्यूस कर देती है। फॉलो कीजिए जो आपको बताया जा रहा है, उसको उसी तरह से इस्तेमाल कीजिए। आई प्रॉमिस यू कि आपका वेट लूज होना शुरू हो जाएगा। एग्जैक्टली जी। अच्छा पहले या तो फिर मैसेज स्टार्ट कर लूँ, ये मैं बताना चाहती हूँ। सुबह जब मैं खाती हूँ निहार मुँह लसन, जिनको कोलेस्ट्रॉल, पहले उससे शुरू कीजिए, उससे शुरू कीजिए, उसके बाद आप बताइए। ठीक है, एप्पल साइडर विनेगर, कोई फ्रूट विनेगर नहीं है। साइलेंस, 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 बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, साइलेंस। ठीक है, एप्पल साइडर, वाइट विनेगर भी होता है, सिंथेटिक भी होता है, हम बात कर रहे हैं एप्पल यानी कि सेब का सिरका, उसको एप्पल साइडर बोलते हैं। कॉन्सेप्ट ये होता है, लोग कहते नहीं बहुत ज़्यादा जो है ये एसिडिटी होती है जब आप पीते हैं। बेसिकली शुरू शुरू में काफ़ी ज़्यादा लगता है, ये अगर आप ले लें हर खाने से आधा घंटा पहले, आप दोपहर के सुबह नाश्ते में मत लीजिए, आप दोपहर खाना और रात को हाफ एन आवर पहले आप स्टार्ट करेंगे। शुरू में थोड़े से कुछ कतरे ले लें तो आप पी भी सकते, ये भी ज़्यादा है, ये देख लीजिए, ये वन टीस्पून बिल्कुल छोटा वाला जो टीस्पून है ये, इससे आप चाहें तो ये इसमें डाल रहे हैं, फिर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है अगर आप ये पी लें। यहाँ कौन है जिसको वेट का प्रॉब्लम है? ये पी कौन है? आपको ये भी कह रही है। आपको पिलवा सकता हूँ मैं, दे सकता हूँ? ओके, नहीं नहीं दिया जाता है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, साइलेंस साइलेंस, एक बार मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसके हवाले से बता रहा हूँ, अगर आप लोग नहीं सुनेंगे तो प्रॉब्लम होगा, वहाँ भी सुननी चाहिए। कोशिश कीजिए कि इसको नहार मुंह ना लें, नहार मुंह ना लीजिए, नाश्ते से पहले मत लीजिए। खाने दो होते हैं जो आप मेनली खाते हैं, नाश्ता करते हैं आप और ज़ाहिर है लंच एंड डिनर होता है, तो लंच से पहले ले लीजिए आधे घंटे पहले और डिनर से आधे घंटे पहले। याद रखिए एक और कॉन्सेप्ट है हमारे मुल्क में जो बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है कि हम खाना 11 बजे रात को खाते हैं, 10 बजे रात को खाते हैं, खाना 6:30-7 बजे तक शुड बी फिनिश्ड। आपका डिनर, आपका लंच 11:30-12 बजे ख़त्म हो जाए, आपका ब्रेकफास्ट शुड बी अराउंड 6-7 इन द मॉर्निंग। अब ये आपकी मर्जी है, आपके जो भी हैबिट्स हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सुबह नहार मुँह इसको लेने से परहेज़ कीजिए, वरना तेजाबियत की शिकायत हो जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी आपको। ऑल यू हैव टू डू इज़ एक टेबलस्पून शुरू में, वरना एक टीस्पून शुरू के अंदर और उसके बाद टेबलस्पून तक चले जाइएगा, एप्पल साइडर विनेगर लीजिए, उसको एक कप पानी के अंदर घोलिए और उसके बाद उसको आधे घंटे पहले अपने लंच से या डिनर से पहले पी लीजिए। लेकिन ये भी खास ख्याल रखें कि जो लोग अगर ज्यादा ना लें इसको, इस सोच के कि हम ज्यादा लेंगे ज्यादा, तो आप लिवर का भी अपना साल में एक चेकअप जरूर करवाएंगे, क्योंकि आपको एसिडिटी और प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल जी। अच्छा आप मुझे पी के बताइए कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है? स्ट्रांग बहुत होता है, वैसे ही देखने में 1 teaspoon है लेकिन स्ट्रांग होता है जी। माइक में बोलिए, माइक में बोलिए। जैसे ऑयल होता है ना, ऑयल जैसे डाला इसमें, ऑयल जैसा, हाँ जैसे हल्का सा, नहीं
ऐसे कहाँ पर ये मिलेगा ये? अगर सम एप्पल साइडर है, सेब का सिरका है, कहीं भी मिल जाता है। घुट 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 पीजे सुनिए ना बस ये जाए। लेकिन बोतल नहीं पीनी है सेब, ये जाओ ये। अगर किसी को 1 टीस्पून ज्यादा लगता है तो आप हाफ टी इससे भी कम कर सकते हैं। जी कर सकते हैं, ग्रेजुअली इसको बढ़ाएं। एग्जैक्ट ठीक है, हाफ ग्लास में भी ले सकते हैं जरूरी। हाँ हाँ कतरे ले लो, कतरे ले लें क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग, मैं कभी एकदम नहीं पी सकती थी पहले ना, तो ये क्या आप अच्छा है बेहतरीन। चलें ये तो बकौल आपने जो बताया कि खाने के बाद पिए तो ये डाइजेशन के अंदर भी है ना, खाना हजम करने के लिए भी। सिर्फ ये चर्बी है कि इसमें जो इस्थेमा के पेशेंट हैं या डस्ट एलर्जी के मरीज हैं वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरी बात ये जिनको एच पायलोरी वायरल है, अपना एसिडिटी ज़्यादा रहती है, वो इस्तेमाल ना करें, बस ये एहतियात की। अच्छा मैं इतने सालों मतलब कोई 20 साल से मुस्तकिली पीती आ रही हूँ। लोग कहते हैं नहीं पीना चाहिए एसिडिटी, कुछ नहीं, कुनकुना गर्म पानी हो सुबह नाश्ते से पहले, ये होता है आधा नींबू, थोड़ा सा इसके अंदर जो खालिश शहद होता है 1 टीस्पून, इसमें आपने हनी डाला स्किन के लिए भी, विटामिन सी सबको पता है कि आपकी स्किन अच्छी रहती है, आपने ये डाला। और साथ में कलौंजी होती है, मैंने 1 टीस्पून 20 साल से हाँ और नॉन स्टॉप पीती जरूर, मैं नागा नहीं करती इसका। एंड साथ में ये मैंने जो है पिछले 2-3 महीने से स्टार्ट किया लहसुन, इससे भी आपका फेट जो फैट है सॉरी वो बर्न होता है और कोलेस्ट्रॉल की कभी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि एज के लिहाज से जैसे आपकी बढ़ती जाती है आपको प्रॉब्लम्स आएंगी ये। और साथ में क्योंकि चुटकी भर कलौंजी वो भी मैं मिक्स करती हूँ, ये खाना है आपने पीना है? मैं तो खाती हूँ ये लहसुन सर, निगल लें इसको। ये एक देखें टोटके बताने का मकसद ये नहीं कि आज आपने देखा और कुछ छोड़ दिया, हम आज आपको वो बात बता रहे हैं जो हम इतने सालों से करते आए हैं और ये वाकई फायदेमंद है, नुकसानदेह कुछ नहीं है इसके अंदर। निकल लें बेहतरीन, बाकी आप लोग तो एक्सपर्ट्स हैं, आपको बता सकते हैं। एक और चीज है बीपी नहीं आपका बढ़ेगा, इसका बेनिफिट ज्यादा होगा। अमूमन जिन लोगों का वेट ज्यादा होता है उनकी सांस फूलती है सीढ़ियाँ चढ़ने से चलने फिरने से, अगर वो इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह सांस नहीं फूलेगी। हमने तो स्टार्ट किया था कि जी पेट के वेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इसके कितने सारे फायदे हैं ना। इसका बड़ा फायदा जो है ना वो बैड कोलेस्ट्रॉल को इसने खत्म करना, आपका लिक्विड प्रोफाइल नॉर्मल करेगा। लहसुन से बहुत जल्दी फैट हमारा बर्न होता है, तरकीब पता नहीं है, सभी को पता है उस पर गौर नहीं करते। अगर आपको सारी उम्र जवान रहना है, अगर आपको वाकई सच बता रहा हूँ मैं अभी जो मैं बात कहने जा रहा हूँ, और आपको वाकई अपने वेट को मेंटेन करना है, बीमारियों से बचना है, तो 16 ग्लास पानी पी लीजिए रोज, कुछ मत कीजिए दुनिया में, और आपको पिया नहीं जाता, बट दैट्स द पॉइंट। लेकिन पानी पी लीजिए आप 16 ग्लास, दैट्स इट, गिन के 16 ग्लास पानी पी लीजिए। 3 लीटर्स आप अबाउट बस घर में बैठे कहीं जाए ना, नहीं मैं आई एम नॉट सेइंग कि आप जाए, आप सब कुछ करें लाइफ में, लेकिन ये आपको इतना हेल्दी कर देगा, दुनिया में इससे बड़ा डिटॉक्सिफिकेशन एजेंट है ही कोई नहीं। पानी आपके फाजिल मादों को इखराज करता है, पानी आपके वेट को बैलेंस करता है, पानी आपके जिस्म के अंदर जो मॉइस्चर जरूरी होता है, आपकी स्किन को जो मॉइस्चर जरूरी होता है वो प्रोवाइड करता है, जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं वो देता है, आपको नरिश करता है, आपके बालों के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है, आपके नाखून के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है, आपकी रंगत के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है, आपकी स्किन की रिंकल्स जो हैं एज डिफाइंग एजेंट, पानी दुनिया का सबसे बड़ा एज डिफाइंग एजेंट है जो उम्र को छुपा देता है। आपके रिंकल्स जो हैं वो आहिस्ता 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 डिले होते रहते हैं। वो शख्स जो हर रोज़ अभी से आपकी उम्र है, आप अगर अभी से पानी पीना शुरू करें और 16 ग्लास रोज़ाना पानी पिएं, तो कम अज़ कम आप अपनी ज़िंदगी में झुर्रियों को 10 से 15 साल डिले कर सकते हैं। 10 से 15 साल विदाउट एनीथिंग आप उसको डिले कर सकते हैं। देखिए 35 साल के बाद आपको झुर्रियाँ लगना शुरू हो जाती हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से पिएंगे तो 40, 42, 45 साल के लोग हैं जिनके चेहरे पर या जिनके गर्दन पर एक झुर्री नहीं है, क्योंकि वो पानी पीते हैं और महफूज हैं, उनका ब्लड प्रेशर ठीक है, उनका कोलेस्ट्रॉल ठीक है, उनको कोई और बीमारियाँ नहीं है। लिवर के लिए ये एक अक्सीर का काम करता है। आप जितना ज़्यादा पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली लिवर की बहुत सारी बीमारियाँ हैं और कैंसर उनमें से एक है। लिवर कैंसर वो कैंसर है जो ईजीली डिटेक्टेबल भी है और इलाज भी हो सकता है।
अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से है जहां अगर डिटेक्ट हो भी जाए तो इलाज नहीं होता। इलाज के लिए आपको चाइना जाना होता है या आपको इंडिया जाना होता है, और उसके लिए खर्चा जो है वो 70 से 80 लाख रुपए आता है और कभी कभी करोड़ से 1.5 करोड़ होता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द केस इज। तो इमेजिन कीजिए कि आप इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं, सिर्फ आपने एक काम करना है, आपने पानी पीना है 16 ग्लास, बस कुछ नहीं करना। That's what you have to do. So, छोटा सा, आई होप यू गाइज आर लाइकिंग द शो, छोटा सा एक ब्रेक है, हम आपकी जिंदगी को चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उस वक्त तक कामयाब नहीं होंगे जब तक आप खुद चेंज नहीं होना चाहेंगे। छोटी सी एक ब्रेक है, आप सुनते हैं ब्रेक के बाद। हमारे पास इससे पहले कि हम फारा की तरफ जाइए, दो सवालात हैं, वो हमारे ऑडियंस से हमें पूछें। जी प्लीज आप बोलिए, बोलिए आवाज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल ये है कि मेरे फेस पे पिंपल्स होते हैं लेकिन वो जब खत्म होते हैं तो वो ब्लैक स्पॉट छोड़ जाते हैं, दाग छोड़ जाते हैं। जी ओके ओके, आपका नाम क्या है? महक आकिब। महक आकिब, ओके जी। हाँ, इसकी रेसिपी है, मैं बताऊँगा, आप अप्लाई कीजिएगा इंशाल्लाह 3-4 दिन, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपको दाग धब्बे जो है वो गायब होते हुए नजर आएंगे। आप बिल्कुल सही, सही बिल्कुल, बिल्कुल। तो बिल्कुल। ये भी एक मिरेकल, एक मौजाती तरकीब है जो हम आपको बताएंगे। और अच्छा, आप अगर किसी के एक्ने या पिंपल्स हैं, कील वगैरह हैं, तो अभी जो रेसिपी बनाएंगे वो अभी अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह, अभी अप्लाई करने से आधे घंटे में आपके वो गायब हो जाएंगे। ठीक है, आप एक सेकेंड होल्ड ऑन, आपके है पिम्पल अभी है तो हम अभी अप्लाई कर सकते हैं आपको। ठीक है, मैं कि एक चैलेंज है, एक अच्छा, चैलेंज हम बना रहे हैं मैजिक एक्नी मास्क। अच्छा जी, एक चैलेंज है जो हकीम साहब ने दिया है, मैजिक एक्नी मास्क, ये एक चैलेंज है। और वो चैलेंज ये है कि महक हमारे पास है, इनके छोटे छोटे से पिंपल्स है, बहुत ज्यादा नहीं, आई थिंक महक क्या हम दो लोगों को कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते। ये बताइए और कौन है जिसके पिंपल्स हैं? आपके पिंपल्स हैं? हाँ, आपके विजिबल हैं। तो इन दोनों को अभी बैठ जाइए, इन दोनों को हम जब ये मास्क बनाएंगे तो वो आप लोगों को लगाएंगे और आधे घंटे के अंदर अंदर ही ये आपके पिंपल्स जो हैं ये गायब हो जाएंगे। लाइव हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर अभी आधे घंटे के अंदर अंदर। हम फरा के पास चलते हैं। जी फरा, आप बताइए, उसके बाद मैं आपके पास आऊँगा सवाल के लिए। जी अच्छा, हेयर सीरम बना रहे हैं जो मार्केट में बहुत महंगे होते हैं, ये आपके प्रोटीन सीरम होते हैं, आपके बालों को सिल्की करते हैं, बालों को शाइनी करते हैं, या फिर हम जब बालों को वॉश करते हैं तो बहुत ज़्यादा जिनके बहुत वेवी हेयर्स होते हैं या बहुत कर्ली हेयर्स होते हैं तो उनके बाल सुलझते नहीं है, तो वो बड़े परेशान होते हैं, तो उनके लिए भी ये सीरम बन रहा है। तो आप थोड़ा सा सीरम लें अपने हाथों में, पूरे बालों पे लगाएं, जब आपके बाल गीले हों फिर आप पंगा करेंगे तो बहुत इजीली आपके बाल बन जाएंगे। दो तीन तरह के काम करते हैं, इस तरह से आप अपने बालों को स्ट्रेट करते हैं। अभी एक सवाल भी पिछले दिनों हम गए हुए थे तो एक सवाल भी अच्छा, आया था। एक चीज़ है, अब आजकल चूंकि ब्लो ड्रायर्स वगैरह आ गए हैं तो आजकल हेयर उससे बहुत डैमेज हो जाते हैं, आप धूप नहीं लगाते बालों को। पहले हमारे बुजुर्ग जो होते थे वो बाहर बैठते थे, धूप में सुखाते थे, नेचुरल एयर लगती थी, ऑक्सीजन की सर्कुलेशन होती थी, विटामिन डी मिलता था, तो बहुत कुछ होता था और बाल बड़े सेहतमंद रहते थे। अब बालों के अंदर ये जो ऐसी चीज़ें आ गई हैं, सीरम्स वगैरह आ गए हैं, इनको लगाने से घर ही में बैठे रहते हैं। आप जो सीरम बना रही हैं उसमें सारी चीज़ें हर्बल हैं? बिल्कुल हर्बल है, घर की चीज़ें हैं और वही सारी चीज़ें हैं जो आप इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसमें भी ये चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ें भी शामिल होती हैं लेकिन ये वाली सारी चीज़ें भी शामिल होती हैं जो बालों के लिए एक हेल्दी चीज़ें हैं, जो बालों का फूड है वो सारी चीज़ें। अच्छा, बालों का फूड है, यहाँ बालों को किसी का बालों का प्रॉब्लम है किसी को? आपको, आप अच्छा, आपके तो विजिबली ऐसे बाल हैं कि जिनको सीधा होने की बहुत ज़रूरत है। Honestly, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साजदा है। साजदा, क्या करती हैं साजदा आप? हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ हैं, हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड मेरे सेल्स ऑफिसर हैं। सेल्स में हैं। अच्छा, तो क्या टाइम नहीं मिलता आपको अपने बालों को नरिश करने का? इनको जरा चुप करवा दीजिए, इनको बोलें कि शो हमारे यहाँ हो रहा है वो लोग मत करें, खवातीन को जरा बता दें प्लीज, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी जी, जरा बीमार में रही हूँ ज़्यादा तो इसलिए मेरे बालों पे तवज्जो नहीं दी मैंने ज्यादा ना। अच्छा, एक और मसला है इनके साथ, साजदा के साथ, मुझे नजर आ रहा है कि साजदा के बाल भी थोड़े से कम हुए हैं। जी बहुत, बाल थोड़े से कम हुए ना आपके, तो आज हम जो पहला सीरम है वो आपको बना रहे हैं, आपने वो तरकीब तो देख ली होगी जो आपको उन्होंने बनाई है, बताइए सलमा ने बताइए, उसमें 4 इंग्रेडिएंट्स थे, पपीता था, पपीते का पेस्ट था, उसके अंदर दही थी, उसके अंदर कैस्टर ऑयल था और ऑलिव ऑयल था, ये चारों ऑयल मिला के आपने लगाने, चारों चीजें मिला के आपने लगानी है और आधे घंटे के बाद 25 मिनट के बाद उसको धो लेना है। ठीक है, अच्छा उसके साथ साथ मैंने आपको तरकीब बताई थी
कंघे की वो भी आपने करनी है। अब आपके बालों के बालों को सीधा करने के लिए, इनके बालों पर जरा फोकस कर लीजिएगा, सीधा करने के लिए सीरम बना रहे हैं। बिल्कुल बना रही है, बल्कि यहाँ पे आ जाए, मैं अभी इनको लगा के बताऊंगी। सिल की केयर होती है, सीधा नहीं करेंगे, सीधे नहीं हो रहे बाल, हाँ, तो उलझ जाते हैं आपके बाल, स्लिपरी कह दो कि वो अच्छी तरह से उलझ, जो रूखापन है, ड्राइनेस वो खत्म, मतलब ड्राइनेस खत्म हो जाएगी। आइए जी, आइए, आइए, आपके बाल धुल गए, उनके बाल धुला दिए, उनको ड्राई भी करवा लीजिए, फिर उसके बाद ड्राई करवा लीजिए उनको। अच्छा साहिर, अभी आप बात कर रहे थे ब्लो ड्रायर्स की ना, तो आपने पहले देखा था कि पहले सिर्फ वही आता था जिसमें वार्म हवा आती थी, अब चेंज हो गया है कि अब ठंडी भी है और गर्म भी है जिनको चाहिए। जो ड्राइनेस होती है बालों में वो गर्म पानी से या ये ब्लो ड्रायर जो हॉट ड्रायर्स हैं उनकी वजह से होती है, वो ना करें, उससे बाल फटता है। तो ठंडे साइड करेंगे ठीक है, और ठंडी वाली साइड से करें, वो ऐसी है जैसे हमने पंखा चलाया हुआ, तेज हवा में अपने बालों को कंघी कर रहे हैं। वेरी नाइस, ठीक है। अच्छा, हम सिरम बना रहे हैं, सिरम के लिए मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून, अच्छा ये महीने भर के लिए बन रहा है, लोशन की शक्ल में होता है ये, कोई इस तरह से क्रीम नहीं होगी, ये लोशन की शक्ल में होगा। ऑलिव ऑयल है मेरे पास, ठीक है, अंडा है ये, हाँ गलती से आ गया, क्योंकि सारी चीजें एक तरह की रखी हुई है तो वो नजर नहीं आ रही थी। ठीक है, ऑलिव ऑयल आपने 1 टेबलस्पून लिया, 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल लिया, और इसमें मेरे पास है विटामिन सी, ठीक है, ये तकरीबन हम लेंगे, इसको खोल दें, विटामिन सी जो इसका ऑयल मिलता है वो तकरीबन हमने इसमें लेना है 1 टीस्पून, और इसमें हमारे पास है विटामिन ई, ओके, ये भी 1, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड है ना जी, बिल्कुल, स्किन पे भी लगता है, स्किन पे भी लगता है और ये आपके सर पे भी लगता है। और ये मेरे पास है एलोवेरा जेल है, अगर आप फ्रेश ले लें या मार्केट में मिलता है वो आप ले लेंगे, इस जेल को मिला देंगे, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, और इसके अंदर हम मिलाएंगे पानी, ठीक है, पानी मिलाकर इसको बॉटल, स्प्रे बॉटल में हम इसको भर के रख देंगे, स्प्रे बॉटल में, जी बिल्कुल, स्प्रे बॉटल छोटी सी है, उसमें हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और इसको लाइट सा ये अच्छी तरह से इसको हाथ से भी आप इसको मिक्स करेंगे ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, थोड़ा सा लेंगे, तो स्प्रे में जब डालेंगे हम इसको, फरा बिल्कुल, तो हाथ पे स्प्रे करना है या बालों नहीं, पे नहीं, हाथ पे करके वो ज्यादा हो जाएगा, बिल्कुल ज्यादा हो जाएगा, हाथ पे करके भाई, सिंपल है, हाथ पे आपने स्प्रे किया, रब किया, हल्का सा रब किया, और मैं इनके बालों पे पकड़ लें, मैं इनके बालों पे करके दिखाती हूँ। आपके बाल रूखे बाल हैं, आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपके बालों में एक तो प्रोटीन आपको जो है नेचुरल प्रोटीन मिल जाएगा, और जो उड़े उड़े बाल होते हैं आप जेल यूज़ करती हैं उससे आपको ये शिकायत होती है कि बाल गिरने लगते हैं, इससे आपके बाल भी नहीं गिरेंगे, और आपके बालों में उलझ रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपके कर्ल्स हेयर्स होते हैं, आपने थोड़ा सा बालों को गीला किया, उसके बाद ये सिरम थोड़ा सा लगाया पूरे बालों में, फिर कंघा करें, आपको मिनटों में आपकी कंघी हो जाएगी और आपके बाल बिल्कुल भी नहीं उलझेंगे, और ये जैसे बम फटे बाल होते ये नहीं होंगे। देखिए, ये जरा सा हमने लगाया और आपके बालों में चिपचिपापन भी नहीं होता, ऑयल फ्री होता है, चिपचिपापन भी नहीं नहाने के बाद में ये आपके बस एंड्स पे थोड़ा सा लगा लेंगे, बिल्कुल हल्का सा, ज़्यादा ना लगाएं वरना ये बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली हो जाएगा। कुछ इस पर लगा लिया, आप कंघा कर लें, आपके बाल बिल्कुल भी नहीं उड़ेंगे, और इस सर्दियों के लिए बहुत अच्छा है, जो हमारे बाल बहुत उड़ते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं, सर्दियों के लिए बहुत बेस्ट, और बेस्ट ये जैसे आप नहाने के बाद निकलते हैं ना, जब आपके आप खुले रखेंगे ना तो और बम फटेगा। आपको चाहिए जो पतला वाला कोम नहीं होता टाइट, उसको टाइट यूं करेंगे कोम, बिल्कुल ये टाइट, ऐसे ये आपने टाइट किया, आप करके देखेगा, और इसको आपने रोल किया यूं यूं करके, ठीक है, खुले नहीं ड्राई करेंगे, हल्के से जब गीले हो जैसे उस वक्त आप ये लगाया, ये लगाया आपने, और आपने फिर इसको फिर आप बांध दें, अपने जूड़ा क्लिप लगा लें बस, और ये कंघे से बिल्कुल टाइट, ये कोई वेव नहीं है, ये ऐसे पतली वाली जो टेबल, अच्छा, एक फायदा और भी, आपका चेहरा पतला लग रहा है। ये अब जब खोलेंगे ना आपके बालों में लचक आ जाएगी, और वो जो फटा फटा लुक है वो सारा खत्म हो जाएगा आपका, और आपके बाल चिपचिपे भी नहीं होंगे, और ये सारा बना के आप एक महीने तक रख सकते हैं। और यकीन माने अमर, आप बताएं कितने महंगे मिलते हैं मार्केट में, बड़े हमें पता भी नहीं होता है कि ये ओरिजिनल भी है या नहीं है, लेकिन ये आपका है कि आपके बालों की हेल्थ को भी अच्छा करेगा, आपके बाल भी बढ़ेगा। मैं ब्रेक लेता हूं, वैसे तो आप ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक और तरीका भी है, अपने सर को शेव करवा लीजिए, एंड आई प्रॉमिस यू कोई मसला ही नहीं होगा, कोई मसला ही नहीं होगा, फिर हम घर बैठ जाएं। नहीं, आप कोई ना कोई तरीका निकाल लीजिए ना बाल उगाने के, गंजा कैसे हुआ जाए, गंजा कैसे, छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, विल बी राइट बैक।
शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे। मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे। मैं तेरे अजनबी शहर में किसे पूछूं मैं तेरा पता, लोग उड़ाते हैं मेरी हंसी, तेरी राहों से हूँ बेखबर, देख आकर मेरी बेबसी, तुझसे मैं दूर हूँ कितना मजबूर हूँ, जख्म दिल के दिखाऊं किसे, मुझको मुझको आवाज दे। मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे। मैं तेरे अजनबी शहर में तुझको पाने की ये आरज़ू अपने दिल में छुपाए हुए, तब तलक यूं भटकता फिरूं, बोझ गम का उठाए हुए, राह वीरान है दिल परेशान है, खत्म होते नहीं पास ले, मुझको दे, मुझको आवाज दे। मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे। मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे, मुझको पाने की ये आरज़ू अपने दिल में छुपाए हुए, बतलत हूँ भटकता फिरूं, खुद गम का उठाए हुए, राह वीरान है दिल परेशान है, खत्म होते नहीं पास ले, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे। मैं तेरे ये आपके मनोरंजन के लिए था और मेरे शौक के लिए था, बिकॉज किसी का बाप भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बिकॉज मेरा अपना शो है। लेकिन मुझे गाने अच्छे लगते हैं। अच्छा, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, अच्छा गाते हैं आप। नहीं, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। लेकिन सबसे बड़ा रीजन ये है कि पाकिस्तानी गाने हैं, पुराने गाने हैं, और ये आप लोगों को पता होने चाहिए, ये गाने इतने हसीन गाने हैं। फिल्म का नाम था शमा और परवाना, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिए। नदीम साहब, संगीता जी, शबनम, इनकी ये फिल्म है, कमाल फिल्म है। इसका एक गाना था और वो गाना ऐसा गाना है जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सुना गया, इसी फिल्म का एक गाना था। आपको मालूम है उस गाने का नाम क्या था? एनीवन, 10,000 रुपये कैश उसके लिए। एनीवन, कोई बता दे मुझे, 10,000 रुपये कैश। इससे पहले कि तेरी चश्मे करम माजरत की निगाह बन जाए, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊं, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा,
लेकिन ये गाना कमाल गाना था और ये गाना बहुत चला था. एक मिनट, एक गाना बताता हूँ. इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा. किसका गाना है? अबे हाँ, फिल्म का नाम क्या है? गाना तो इश्क, फिल्म का नाम क्या है? हाँ, हेट इश्क, इश्क फिल्म का नाम है. इश्क इश्क नदीम साहब की फिल्म थी, कमाल फिल्म थी. देखा कीजिए पाकिस्तानी मूवीज. बट एनीवे, आते हैं जी तहरीम, अब आपकी बारी है. अच्छा, बता दीजिए, तालियां बजाइए तहरीम के लिए, बहुत सारी तालियां. अच्छा साहिर, ये बड़ी इजी रेमेडी है. और मेरे ख्याल से होता क्या है, इससे होता ये कि जब अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे यंगस्टर्स को स्किन पे वाइट वाइट पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं. तुम लोगों के लिए, तुम्हारे चेहरे पे दाने निकलते हैं ना, तुम लोगों के लिए एक दो पिंपल्स होते हैं खत्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को आप देखें तो बहुत ज़्यादा एक्ने होती है. सो ये बड़ा इजी है और ये मैंने खुद चूंकि अप्लाई किया हुआ है तो इसलिए मुझे पता है. आप आधा ग्लास पानी ले लें, आधा कप पानी ले लें गर्म, और उसमें आप तकरीबन दो टहनियाँ या एक टहनी. अब चूंकि इतना डिफरेंट टेस्ट होता है पुदीने का, लोग बहुत ज़्यादा यूज्ड टू नहीं होते, कुछ लोगों के लिए बड़ा डिफरेंट होता है ये टेस्ट. तो आप ये इस गर्म पानी में डालें. इनिशियली आप इस तरीके से करेंगे, आपने इसको डाला खोलते हुए गर्म पानी में और आपने उसके बाद इसको ढक दिया थोड़ी देर के लिए. जब उसको ढक देते हैं तो इसका जो एसेंस होता है मिंट का, वो पानी के अंदर आ जाता है. उसके बाद जैसे आप चाय को छानते हैं उस तरीके से आप इसको छान लें, और छानने के बाद जिस तरह से आपका जितना भी टेस्ट है लेमन के साथ, हर बंदे का फर्क होता है, तो आपने वो लेमन स्क्वीज करना है इसके अंदर, और ये आपने निहार मुँह पीना है फर्स्ट इन द मॉर्निंग. तो लेमन की आपको अपनी पता होनी चाहिए कि क्वांटिटी आप कितना पी सकते हैं या आपको कितना पसंद है. ठीक है, ठीक है, ये आप कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको लेमन पसंद नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसको सिंपली. अच्छा, वैसे मैं आपको एक और बात बताऊं, ये लेमन और ये एप्पल विनेगर जो होता है ये सब है ना, पीपल आर वी आई एम सॉरी बट हम लोग इतने ज्यादा क्यों ऐसे हो रहे हैं, हमको बहुत ही ज्यादा, हमारे बुजुर्गों ने ये बेतहाशा किया है और काम करते हैं. कोई बात नहीं, अच्छा होता है लेमन शेमन सब सही होता है, कोई मसला नहीं होता. हाँ. और कभी कभी पेन जो होता है ना उसको आप अपने दिमाग से शिकस्त देते हैं, कुछ नहीं होता इतना बड़ा मसला. लेकिन ये जरूर है, ख्याल कीजिए कि उसके साथ मेरे जो आबा अजदाद थे उनकी डाइट बहुत अच्छी होती थी. हाँ. वो कमाल किस्म की डाइट लेते थे, कमाल किस्म की एक्सरसाइज करते थे. पहले हमारे दस्तरखानों पे चटनी बहुत ज्यादा हुआ करती थी, मुरब्बे बहुत ज्यादा हुआ करते थे, बिकॉज ये आपकी डाइजेशन को बड़ा हेल्प करते हैं. अब तो नहीं होते, अब हमारे यहाँ होते हैं. अब हमारे नहीं नहीं, मुरब्बे तो अब भी होते हैं लेकिन पकड़े नहीं जाते वो लोग जिनके होते हैं. हाँ सही में, बिल्कुल पकड़े नहीं जाते. इससे आप ये जो ड्रिंक आप पीते हैं, इससे एक तो आपका जो स्टमक है वो क्लेंज होता है, साफ होता है. जब आपके स्टमक में गर्मी नहीं होती तो आपकी स्किन पे इस तरह के दाने भी नहीं निकलते. ये ठंडा होता है, आपके स्टमक को जब क्लीन करता है तो आपकी स्किन भी क्लीन होना चाहिए. अच्छा, बचपन में ना बहुत सिली सिली सी बातें होती थी, तो बचपन में ये कहा जाता था कि जिसके दाने होते हैं ना, पिंपल्स होते हैं, वो जवान हो रहा होता है. हाँ. I'm sorry, but that's what they used to say. नहीं तो ठीक है, सही है. हमने चेंजेस आते हैं आपकी बॉडी के अंदर. तो किसी ने मुझे कहा, किसी ने मुझे कहा, मैंने कहा मैं जवान ही नहीं हुआ, बच्चे से बस ऐसा हो गया. तो वो अजीब अजीब सी बातें थी ना, काली बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो पता नहीं क्या होगा. एक दफा छोटे में ना काली बिल्ली रास्ता काट गई, मैं बिल्ली के पीछे भागा, वो 15 मिनट तक भागता रहा, फिर मुझे पता चला बिल्ली पकड़ी नहीं जाएगी. अच्छा ये जो ड्रिंक है, अब ना ही कुछ कहती नहीं, मैं आपको कुछ नहीं कह सकती यार. इसमें हंसने कौन सी बात कब पकड़ी जाए, देख क्या ये नहीं कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं रेशमा जवान हो गई तो मैं हूँ. मुझे नहीं पता जी शो कहाँ जा रहा है. मैंने तो एक बहुत मासूमाना बात की थी कि बचपन में हमने सुना था कि जिनके पिंपल्स निकलते हैं वो जवान हो जाते हैं. हकीम साहब पता नहीं किन किन चीज़ों की तरफ चले गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा. हकीम साहब, हाँ हाँ, अच्छा हकीम साहब खामोश खड़े रहते हैं, चुप करके देखते रहते हैं. अब पता चला देखते ही आपको है. हकीम साहब ने अभी हमें बताया, मैंने पर्स में रख लिया है, ये बताएंगे ना, और मैं अप्लाई जरूर करूंगी, मुझे यकीन नहीं आ रहा. आप मैं करूंगी वो चीज़. अच्छा अभी हम आधे घंटे का चैलेंज है, इसके फौरन बाद आधे घंटे का चैलेंज है. हमने यहाँ दो खवातीन को कहा है, आपको कहा है महक, और आपका नाम क्या है? बल्कि काफी सारी को इस्तेमाल करवा सकते हैं, बहुत सारा है. हाँ जिनके नहीं है वो भी लगा देगा, फोड़े निकाल फोड़े निकाल के छोटा सा ब्रेक है यार. हिकमत का सबसे बड़ा फायदा आदमी पे शक नहीं होता.
छोटा सा एक ब्रेक है, इतने मासूम आदमी पर शक कौन करेगा। अस्सलाम वालेकुम, आप ये लगाइए। अब मेरे जैसा आदमी का ना आप ये लगाइए, जेल हो जाती है उसको। इन जैसा आदमी का लोग कहते हैं ना, अबे हकीम है। सही है, छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। कैसा लग रहा है खुद आपको, कैसा लग रहा है पहले बताइए। अच्छा लग रहा है, घर पे ये लोग नहीं आएंगे आपको लगाने के लिए, खुद ही करेंगे। क्या क्या चीजें थी इसमें? अच्छा मेरे साथ साथ बोलिए, पपीता, पपीते का पेस्ट 3 चम्मच, पपीते का पेस्ट 3 चम्मच, 3 चम्मच, 3 चम्मच दही के, 3 चम्मच दही के, 3 चम्मच कैस्टर ऑयल के, 1 चम्मच, 1 चम्मच, 1 चम्मच, 1 चम्मच कैस्टर ऑयल का, 1 चम्मच कैस्टर ऑयल और 1 चम्मच जैतून का तेल और 1 चम्मच ऑलिव ऑयल। ठीक है, ये सब मिक्स करके आपने लगा लेना है। हफ्ते में कितनी मरतबा लगाना है? आप जब कभी जाना हो तो फिर दोबारा लगा दीजिए, हफ्ते में एक से दो दफा लगाएं बस, बहुत है। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखिए, आप दोनों आ जाइए। महक आप आ जाइए, और आपका नाम क्या है? व्हाट्स योर नेम? रिमशा, आइए दोनों आइए, आइए आइए जी, महक जल्दी जल्दी, फास्ट 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 फास्ट, इधर आइए, कम पास टाइम नहीं है, बाद में मिलिएगा, आइए प्लीज आ जाइए। रिमशा आपके तो विजिबल नजर आ रहे हैं, इनके थोड़े से कम हैं, आप बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए। ओके जी, अच्छा यहाँ ज़रा कैमरा क्लोज कर लीजिएगा, मैं दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद हम हकीम साहब की तरफ जाएंगे। आप थोड़ा सा ऐसे कीजिएगा फेस, बस इतना इतना साइलेंस, ये ज़रा थोड़ा सा क्लोज कीजिए अगर कैमरा का, फराज और क्लोज आ जा, करीब आ सकता है। ये देखिएगा कि यहाँ पर ये जो आँख है इनकी, उसमें विजिबल पिंपल है, आपने थोड़ा सा मेकअप किया हुआ है, बेस लगाई हुई है, अगर बेस को रिमूव कर दिया जाए, थोड़ा सा इनकी बेस को रिमूव कर दें, लेमन से करते हैं, फेस पाउडर किसी भी चीज़ को रिमूव कर दें, लेमन से कर दीजिए, लेमन अगर लगा देंगे थोड़ा सा तो रिमूव हो जाएगा। अच्छा, और यहाँ हम रिमशा की तरफ आते हैं, रिमशा को देख लीजिएगा, रिमशा के स्कार भी हैं, मतलब ये धब्बे भी हैं, और पिंपल एक्नी का भी प्रॉब्लम है। रिमशा अगर आप ऐसा करें फेस अपना, इधर इस तरफ कीजिए, ऐसे यूँ कीजिएगा फेस, एक्नी के विजिबल प्रॉब्लम्स हैं और एक्नी के स्कार्स यहाँ पर मौजूद हैं, इस जगह मौजूद हैं, पूरे फेस पे इस जगह मौजूद है इनके। तो अब हम कोशिश ये करेंगे कि इन स्कार्स को आपके सामने, आपकी निगाहों के सामने इन स्कार्स को खत्म कर दें। हकीम साहब आपकी तरफ आता हूँ, मुझे बताएं किस तरह से करेंगे, क्या ये घर में बनाई जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल घर में बनाई जा सकती है, ये एलोवेरा है। सलमा थोड़ा सा इधर हो जाएगा ताकि नजर आ जाए। जी जी, देखिए ये एलोवेरा है, ठीक है, इसका जेल हमने लेना है 1 चम्मच, ठीक ठीक है, उसको अच्छी तरह से नरम करेंगे और इसमें हम डालेंगे मुल्तानी मिट्टी 1/2 चम्मच, ठीक है। अंबर आप इधर आ जाइए, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश वाला जेल लिया, ठीक है, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे बेसन 1/2 चम्मच, ठीक है। अच्छा ये घर में बन रहा है, ये एक ऐसा मिरेकल मास्क है जो आपके चेहरे से आटा डालेंगे, आपके चेहरे से धब्बों को और आपके चेहरे से एक्नी को, यानी वो जो कील होता है उसको ख़त्म कर देगा इंस्टेंटली 25 मिनट के अंदर। 25 मिनट, तालियां तो बजाइए, क्या कर रहे हैं आप लोग, 25 मिनट के अंदर। अच्छा हर्बल में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी बहुत जल्द फायदा, ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है, देखिए वन एप्लीकेशन में होता है कि दिमाग, अगर किसी को जमाल घोटा खिलाएं तो लग पता जाएगा। अब जमाल घोटा खाना ही लगाना है ना, हर्ब है, हर्ब है, जी जी जमाल घोटा डेफिनेटली हर्ब है, हर्ब है, मुझे पहले बहुत सारी हर्ब चीजें हैं जिनके जल्दी एक्शन होता है, पर पहले मिली जमाल घोटा तो वही है। कितना डाला, ज्यादा ज्यादा डाल दिया, सॉरी सॉरी, अच्छा एक चीज है साहिर भाई, इसको बोलते हैं माजू, माजू, अच्छा ये है माजू, आम बाजार में मिलने वाली चीजें बहुत सस्ती मिल जाती है, सही, माजू, माजू, अच्छा 10 रुपए में भी आपको काफी सारे मिल जाएंगे। इसको आपने थोड़ा सा पानी में निम किया, सिलबट्टे पे रगड़ा, इसका जो पेस्ट बनेगा वो कील पे लगा लें आप, पिंपल्स पे लगा लें, सुबह तक वो इंशाल्लाह गायब हो जाएगा। उसका जो दाग धब्बे हैं पुराने जो रहे हुए हैं आप पर, आपके रोज़ाना एक बार आप अप्लाई करते रहें इसी तरह से लगाकर,
हफ्ते भर में वो दाग धब्बे भी गायब हो जाएंगे। ये मेरे बिल्कुल बिल्कुल ये आपको मैं अच्छा ये होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन दिखा रहा हूं ठीक है। ये काफी सारे हैं, ये भी हमने इसमें डाला है। एक सेकंड मैं पहले दिखा दूं, पहले मैं दिखा दूं ताकि सबको पता हो जी। ये माजू कहलाता है, ये माजू कहलाता है। अच्छा ये जबरदस्त है कील महासों के लिए। अगर आपको एक्नी का प्रॉब्लम है तो आपने एक माजू लेना है, ये वाला एक माजू लेना है। उसको हल्का सा पानी में डिप कर दीजिएगा। पानी में डिप करने के बाद सिलबट्टे पे यूं करके रगड़ना है आपने। देखें इस तरह से सिलबट्टे पे आपने रगड़ना है, इसका कहीं भी रगड़ लें, किसी भी सख्त जगह पे रगड़ लीजिए, पेस्ट बनेगा। वो पेस्ट आपने उठाना है और उस कील पे लगाना है, उस जगह लगाना है जहाँ पर प्रॉब्लम आपको है। सुबह तक वो चीज़ गायब हो जाएगी, वो कील गायब हो जाएगी। अच्छा अगर कोई धब्बा रह जाता है तो उसके लिए आपने ये करना है कि कंटिन्यूस इसका इस्तेमाल कीजिए और एक हफ्ते या डेढ़ हफ्ते इस्तेमाल के बाद वो धब्बे जो हैं वो भी निकल जाएंगे। हमारा अच्छा इस वक्त हमने हकीम साहब ने एक ऐसी रेमेडी बनाई है जो आप घर में बना सकते हैं। एक बार फिर आपको तरकीब बताएंगे हकीम साहब, लेकिन एक पूरा तरकीब बताएंगे हकीम साहब, लेकिन आपने ये तरकीब गौर से सुननी है। और अगर आपके घर में या आपकी फैमिली में किसी को कील मुहासों का प्रॉब्लम है तो फिर आपने उसको ये तरकीब बतानी है, उसको जाके लगानी है। हमारे पास दो लोग हैं, रिमशा हैं और महक हैं। इन पे कील मुहासों का प्रॉब्लम है, इनको इनके एक्नी है और एक्नी पे निशान भी रह गए। अभी हम लगा के आपको बताएंगे, इनका बिफोर एंड आफ्टर भी बना लीजिएगा। जब तक हम हकीम साहब से बात करते हैं। सर जी इसमें हमने ली मुल्तानी मिट्टी आधी चम्मच और इसमें हमने फ्रेश एलोवेरा जेल लिया एक चम्मच। सही ठीक है। और इसमें आधी चम्मच हमने चावल का आटा लिया, आधी चम्मच बेसन लिया और एक अदद बाजू पिसा हुआ लिया। ठीक है ठीक है। भी डाला हाँ, थोड़ा सा अरके गुलाब डाला। और एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं पेपरमिंट, सत पुदीना। ये सत पुदीना है, ये पेपरमिंट के नाम से बाजार से मिल जाता है। ये चावल के दाने जितना हमने इसमें डालना है सिर्फ, लेकिन अगर एक एक फेस के लिए, और अगर दो लोग हैं तो हम इसमें दो चावल के दाने के बराबर इसको डाल देंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा ठंडक देता है स्किन पे। हाँ, इससे स्किन पे ठंडक आती है, बहुत ज्यादा ठंडक होती है। पेपरमिंट जी 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 पेपरमिंट। अच्छा अब क्या करना है? हाँ अब इसको अप्लाई करें। आइए इंशाल्लाह ये रेडी है। अच्छा वैसे आपने बोला माजू वैसे लगाओ तो इतना हमने क्यों बनाया मास्क? अच्छा ये पता क्या ये जो मुल्तानी मिट्टी भी है ये एक्नी ब्यूटी मास्क है। अच्छा इससे ये होगा कि कलर भी फौरी तौर पे जो है वो क्लियर होगा। और अच्छा फिर चूंकि मुल्तानी मिट्टी है तो इससे आपकी जिल्द जो है वो टाइट भी हो जाएगी। जैसे अगर आपके आप यूं हंसी जरा हंसी मुस्कुराई आपके यहाँ जो आपके जो थोड़े थोड़े से ये क्रोस फीट बन रहे हैं ये ठीक हो जाएंगे। जी वही देख रहे हैं। अच्छा एक सेकंड रुक जाएगा, एक मिनट रुक जाइए। मैं यूं करो बेटा यूं करो, यहाँ दिखाइएगा यहाँ इसको ज़रा। ये बहुत बड़ा एक पैच है जो इनका है, इन्होंने आप उसको हाथ लगाती रहिए फोड़ती रहिए दानों को, खुद ही फट जाते हैं। हाथ नहीं लगाया आपने? अच्छा लेकिन वो स्कार जो है वो रह गया है। अच्छा साहिर भाई ये देखिए आप एक हफ्ते बाद दोबारा आएंगे, नाम क्या आपका? रिमशा। एक हफ्ते बाद दोबारा आएंगी तो इनशाला ये नहीं होगा। माजू का सिर्फ एक दाना ले जाए, सिर्फ एक दाना। हाँ एक दाना ले जाए, वो रगड़ती रहे उसका पेस्ट लगा दीजिए बस। ठीक ठीक है, पता है ना कैसे लगाना है? कैसे लगाना है? अभी जो पिंपल्स इनके बन रहे हैं वो समझ नहीं आता। देखिए मैं वही बात कहता हूँ, कैसे लगाना? इधर दिखाइए मुझे, दिखाइए आप। ये बड़ा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी कॉम के लिए बहुत जरूरी है। ये हम लोग सिर्फ देखते हैं और विजुअल देखने के बाद भूल जाते हैं, बहुत जरूरी है। ये माजू का दाना है, इसको प्लीज समझ लीजिए, सब लोग समझ लें। कील महासों के लिए अक्सीर है, मतलब ये काम कर सकता है उन बच्चों के लिए जो स्कूल कॉलेज गोएंगे। सबसे बड़ी बात ये अगर आपको कील महासे होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बड़ा मुतासर होता है, आपको बहुत ज़्यादा मेकअप थोपना होता है, लोग आप पे तरह तरह की बातें करते हैं। आपने सिर्फ ये एक माजू लेना है, माजू आपको बाजार में मिल जाएगा। इसको पानी में डिप करना है, पानी जो होता है उसके अंदर ऐसे करके डिप कर देना है। फ़र्ज़ कीजिए कि ये पानी है, इसके अंदर मैंने माजू को यूं करके डिप कर दिया। ठीक है, जब ये डिप कर दिया इसके बाद फर्श पे या सिलबट्टे पे उसको रगड़ना है, ऐसे करके उसको रगड़ना है, उसका एक पेस्ट बन जाएगा। जब वो पेस्ट बन जाएगा तो उसको ऐसे करके अपने जहाँ पर भी आपका वो है एक्नी का प्रॉब्लम है उसमें आपने लगा देना है। और ये आपने हफ्ते में 7 दिन कर लीजिए, 7 दिन के बाद आपका प्रॉब्लम नहीं रहेगा। बट मेक श्योर यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से इस्तेमाल होता है। अच्छा हम दूसरा बना लें साहब जी, इनको लगा दीजिए, दूसरा बना लीजिए। दूसरा क्या चीज़ है? दूसरा आप लोग इधर आ जाइए, इधर जी। दूसरा है हर्बल ब्यूटी लोशन। हर्बल ब्यूटी लोशन ये क्या होता है जी? एक काम करते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद इस हर्बल ब्यूटी लोशन को बताएंगे। हमने आपको एक हैरतअंगेज तरकीब बताई है कि किस तरह से आप कील महासों को ख़त्म कर सकते हैं। अब एक ऐसा ब्यूटी लोशन है
जो आपके चेहरे की रंगत को, आपके चेहरे की जो टेक्सचर है उसको बदल देगा। हम जवान रहना चाहते हैं, झुर्रियों से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, तो आइए आपको बताते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद। हमारे पास मुझे माइक दे दीजिए। हमारे पास फरीदा जी हैं, हमारे पास सकीना जी हैं और जरीना ओके जरीना जी हैं। और जरीना और सकीना जी हैं, जरीना और फरीदा जी जो हैं उनके चेहरे पे वो ये कहती हैं कि जी हम और ज़्यादा हसीन होना चाहते हैं, रंगत हमारी और निखरनी चाहिए, ब्यूटी लोशन जो है वो हम आपको देने जा रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल बहुत मज़ा आ रहा है और अच्छा लग रहा है। शो पे अच्छा लग रहा है ना? सही है ना? मैं सही लग रहा हूँ आपको? थैंक यू। और आप सही हैं? आपको प्रॉब्लम क्या है? आपके यहाँ पर थोड़े से क्रोस फीट बन गए, थोड़ी सी झुर्रियाँ आ गई हैं, तो आज हम कुछ बेहतर करेंगे आपके चेहरे को, सही है? कर सकते हैं? चलिए। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? गाड़ी चलाते रहते हैं। अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। कितने बच्चे हैं? दो। और आपके? दो बच्चे। हस्बैंड क्या करते हैं? इनको तो वैसे ही सलाम करो, पकड़ लेंगी बारी। हाँ जी बताइएगा। अच्छा, ये सर्दियों में जैसे हम, अच्छा एक सेकेंड हकीम साहब, ये चैलेंज था, मुझे बताइए कितनी देर में धुलवाना है इनको? हाँ, 20 मिनट में धुलवा लें। 20 मिनट में? ओके। हाँ जी, चलिए। अच्छा, ठंडक फील हो रही है आपको फेस पे ना? ठंडक फील हो रही है? चक्कर आ रहे हैं? अभी आएंगे थोड़ी थोड़ी सी ना, यहाँ से आग की लहरें निकलेंगी, जब निकलने लगे तो समझ लो कि बस काम हो गया, ना रहेगा बाँस। सुभान अल्लाह, ना बजे की बांसुरी जी। अच्छा, सर्दी का मौसम है, सर्दियों के मौसम में वैक्स या आम जो पेट्रोलियम जेली वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। जब ये चीज़ें नहीं होती थी तो उस वक्त इस्तेमाल किया जाता था बादाम का तेल है, ग्लिसरीन है, रोग जैतून है, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की, अब भी की जाती थी। तो अब इसमें ये इस तरह का लोशन भी है कि आप सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हमने ग्लिसरीन ली है 50 मिलीलीटर, ठीक है। अच्छा, ये देख लीजिएगा, इससे आपके चेहरे में विजिबल डिफरेंस आएगा फौरन, ये घर में आप बना सकते हैं जी। अच्छा, इसमें हमने लीमू का रस लिया 50 मिलीलीटर। 50 मिलीलीटर आपने ग्लिसरीन ली, 50 मिलीलीटर आपने लीमू का रस लिया, ठीक है। 50 मिलीलीटर हमने इसमें लिया अर्के गुलाब, ठीक है जी। और इसमें 50 ग्राम के करीब हमने एलोवेरा का फ्रेश गूदा शामिल किया, ठीक है जी, ठीक है। और एक चम्मच हमने इसमें हल्दी डाली, ओके, ठीक है। इसको हिला के अच्छी तरह से बॉटल में आप जो है वो महफूज करके रख लें। अच्छा, बॉटल में महफूज करने से क्या होगा, ये सीरम ये ख़राब नहीं होगा, ओके, ये ख़राब नहीं होगा और ये आप पूरी सर्दियां इसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या? अच्छा, है, इसमें एक चीज़ और भी, ये कुछ नहीं है लेकिन हल्दी से वो नहीं होगा, पीलाहट आ जाए अंदर नहीं, वो अगर आती है तो वो आरजी सी आती है, वो वॉश हो जाती है। लीमू है ना इसमें, लेमन की वजह से कोई चीज जमेगी। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप लोगों को चाहिए ये, घर लेके जाएंगे? ले जाएंगे, ओके ओके। इसमें पहले इनको लगा देते हैं, फिर उसके बाद इन दोनों को ये आधा आधा दे दीजिएगा ताकि आप लोग घर पे ले जाएं। लेकिन एक बार फिर साइलेंस प्लीज साइलेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार फिर हकीम साहब सारी चीजें बता दीजिए किस तरह से घर में। देखिए, एलोवेरा जेल हमने लिया, फ्रेश जेल 50 ग्राम, ग्लिसरीन 50 मिलीलीटर, लीमू का रस 50 मिलीलीटर, अर्के गुलाब 50 मिलीलीटर और इसमें एक चम्मच हमने खाने वाला हल्दी का डाल दिया, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद इसको बॉटल में डाल के महफूज रखेंगे, कॉटन की मदद से ये आप चेहरे पे लगाएं इसको, और जहाँ जहाँ कहीं आपके स्याह दाग हैं, जैसे गर्दन पे हैं, डार्क सर्कल हैं, वहाँ वहाँ अगर आप खसूसी तौर पर लगाएंगी तो इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाए। अच्छा, यहाँ मैं एक बात करना चाहता हूँ, जरीना जी ज़रा सामने देखिएगा कैमरे में, थोड़ा सा ऊपर कीजिए चिन, इनके टू टोन है स्किन में, यहाँ पर भी टू टोनिंग है, यहाँ पर भी ये डार्क हो रहा है, ये डार्क हो रहा है, गर्दन के ये जो पोर्शन है ये भी डार्क हो रहा है, तो यहाँ पर लगाया जा सकता है? बिल्कुल लगाया जा सकता है, और इसके लगाने से आप हफ्ता 10 दिन में देखेंगे कि बहुत सारा फायदा होगा। आइए, कौन लगाएगा? फरा, ये तो आप लगा दें, सलमा आप लगा दें, अंबर लगा दें। अच्छा, मज़े की बात है, जितनी भी चीज़ें हम बता रहे हैं ना, देखें ये तो ऊपर से लग रही हैं, हल्दी का इस्तेमाल अभी से, आप चाहे तो रात को सोते हुए एक ग्लास दूध लें, उसमें 1/2 टीस्पून हल्दी, थोड़े से 2 पिस्ते, 2 बादाम, ये मिक्स उसी के अंदर पका लें और वो पिएं। ये इतना मतलब कि हल्दी के अगर आप जाएँ नेट पर, इतने फ़ायदे हैं कि आपकी सोच
से बाहर। अच्छा, हल्दी पानी में डाल के पी सकते हैं? हाँ, यू कैन इन एनी फॉर्म ले लें आप, हल्दी पिए जरूर। ठीक है, ले आप। आपने मेकअप किया हुआ है? आपको क्या हुआ, तभी सही है आपकी? नहीं नहीं, इनको आंखों में आई थिंक कुछ बर्निंग हो रही है। अच्छा, बर्निंग हो रही है, छोड़ दूं मैं, नहीं लगाऊं? एक टिश्यू पेपर दे दें। आंखों में कुछ चला गया आपके? नहीं, वो वैसे भी लेमन है तो आजकल तो बर्निंग होती है, ड्राई, तो जिसकी वजह से लेमन थोड़ा चुभता है। नहीं नहीं, ठीक है, शेयर है, शेयर है, आप बिल्कुल कोई मसला नहीं। हाँ, नो प्रॉब्लम, आप तो सही है ना? ओके ओके, एकदम पुलिस की मिसेस पुलिस। ये चीजें कि पहले थोड़ा सा ट्राई कर लें, अगर आपको जी सवाल है हो रही तो फिर लगाएं। अरे पेन दिखाइए, दिखाइए, क्या है ये? आइए आइए, इधर आइए, इधर आइए, मुझे माइक दीजिएगा, किधर है? हाँ जी, थोड़ा सा मसाज कर। क्या नाम है आपका? रमशा। हाथ हाथ, हेलो, सलाम अलैकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, ओके। लाइए, ये क्या है? ये आपके लिए मैंने बनाया था। इस पे लिखा है साहिर ब्रो। क्या करती हैं आप रमशा? सर, मैं ग्रेजुएशन कर रही हैं। ओके, और क्या करेंगी बड़े होके? ग्रेजुएशन जब हो जाएगी तो टीचिंग की फील्ड में, तो बच्चों को पढ़ाएंगी या बड़ों को? चलिए, आपका क्लासरूम में पढ़ाइए, आपके पास 30 सेकंड्स हैं, पढ़ाइए इनको। आज आपने इनको जिंदगी का सबसे बड़ा सबक देना, आज आपका पहला दिन स्कूल का, आप इन्हें कैसे कहेंगे, कैसे पढ़ाएंगे? अरे पहला दिन है, आप इंट्रोड्यूस करवाइए अपने आप को। ये और तो नहीं चाहिए तुम्हें, बस मैंने इनको मसाज। बोलिए, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बच्चों? बहुत सारी तालियां रमशा के लिए। इन्होंने एक ऐसी बात कही है मुझसे, इट्स अनबिलीवेबल। इन्होंने मुझसे कहा है कि ये पेन जो है ये रीयूजेबल है, ये जब आप इसे यूज़ करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो आप इसे इसकी रिफिल दोबारा से करवा सकते हैं। थैंक यू, आई प्रॉमिस यू आई वोंट लीव। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं तो लगा कर थोड़ा सा इनको मल भी रहे, फिर छोड़ेंगे। अच्छा, हम इनको साफ़ कर लें, इन लोगों को साफ़ कर लें, दो मिनट है हमारे पास, इन लोगों को साफ़ कर लें। ये भाई मेरा पेन रखिए, पेन रखिए, मेरा पेन रखिए, दिस इज थोड़ा सूखने दें जी। इनको साफ़ कर लें ताकि, हाँ इधर इधर ले आइए, इधर ले आइए, ताकि साफ़ कर लें। अभी रिजल्ट दिखा देते हैं, कम से कम इनके ऊपर इनकी ज़्यादा स्किन थी तो इनको पहले दिखा देते हैं। अच्छा, ये रिजल्ट कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि अभी टोटल 10 से 15 मिनट हुए हैं, 20 मिनट आपको लगाना ज़रूरी है, लेकिन आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से हुआ है। अच्छा, दोनों ही का साफ हो जाएंगे? ओके ओके, वाओ, वाकई कम हुआ, चमत्कार मास्क यार, वैसे चमत्कार मास्क है ये, दिस इज चमत्कार। आपका वाकई आपको अंदाजा नहीं हो रहा, आपको बहुत कम हुआ, बल्कि आपके वो जो पिंपल है वो थोड़े से बैठे हैं, डीकलरेशन हुई भी। हाँ हाँ, पिगमेंट खत्म हुआ है इनका। Very nice. Very nice. See, very very nice. Look at that. Look at that. तालियां. ये क्या? माजू. क्या माजू? माजू. अच्छा, ये किस किस को चाहिए? माजू चाहिए आप लोगों को? भाई एक माजू तो आप लीजिए. इनको तो एक माजू आप लीजिए, इसको संभाल के रखना है. दो. ओके जी, दो आपको. वैसे आप बाजार में भी ले सकती हैं. अच्छा जी, और मैं आप लोगों को दे दूं यहाँ पे, किस किस को चाहिए बताइए, ईमानदारी के साथ, ईमानदारी के साथ, जिसको ज़रूरत हो ये रहा, ले लें, उठा ले, उठा ले, एक उठा लीजिए, मैं एक मिनट, तुम्हें दे रहा हूँ, नीचे आओ, नीचे आओ, तुम्हारी जिम्मेदारी दे रहा हूँ, एक एक करके, एक ही देना है सबको, एक ही, एक ही तुम्हारी जिम्मेदारी है, सबको एक एक दे देना, ठीक है? ऑलराइट, हियर वी गो। ओ नाइस 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 नाइस, लुक एट दैट, Oh my God, this is very nice, very exciting. कैसा लग रहा है आपको? खुद कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अब ये माजू इस्तेमाल करना है?
इस्तेमाल कर रहे हैं आपने यहाँ पर, तो इंशाल्लाह एक हफ्ते के बाद ये निशान नहीं होगा। आपको कैसा लग रहा है? अभी देखा ही नहीं, पता ही नहीं कैसा लग रहा है। वो देखे ना सामने, आप नजर आ रही हैं। अभी आ जाएंगी, आ जाएंगी, इनको दिखा दें, इनको भी दिखा दीजिए, महक को भी दिखा दीजिए, प्लीज लगा दीजिए महक को। अब नजर आ गई, अब कैसा लग रहा है? सही है, बहुत सही, तालियां महक के लिए। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर लाइफ, योर एक्सपर्टीज विद अस, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने, हमारे एक्सपर्ट्स ने आज वो सब कुछ शेयर किया जो वो खुद करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग अभी थोड़ी देर में अपना रिजल्ट देखेंगे, इधर ही बैठी रहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो भी रेमेडीज आपको देखते हैं देते हैं, आई होप कि आपकी ज़िंदगी उससे तब्दील होती हो। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।